रिज्यूनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी। इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर गिरीश पटेल आप सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। काफी समय से हम साथ में चल रहे हैं। आपको भी अपने जीवन से संबंधित कई बातों के बारे में एक नया पहलू मिल रहा होगा, कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। पिछली कड़ी में हम देखेंगे तो बल हमने एक ही बात पर चर्चा की, परंतु बहुत अच्छी थी क्योंकि कोई ना कोई रूप से वह हमारे जीवन में भी जुड़ी हुई है। पिछली कड़ी में हम हेट के बारे में, घृणा का भाव, नफरत का भाव, इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। वह जो एक एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा था, भी हम सभी यही आशा करेंगे कि हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में ऐसा घटित ना हो। परंतु जो आम तौर पर एक नफरत होती है, कई लोग कहते हैं कि भी मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ, है ना, मैं अपने फ्रेंड से नफरत करता हूँ, तो क्या यह भी सही है? अभी ये ऐसा नेचुरल हो गया सबके साथ, दूसरे के बारे में कुछ गलती बताना या उनके बारे में, है ना, वो हेट एक्सपीरियंस करके या हेट होकर कुछ ना कुछ बताना, मगर ये नॉर्मल हो गया है। जैसे असीम भाई के बात सुना तो मेरे को ये याद हो रहा है, एक तीन बंदर का जो है पिक्चर आता है सामने, एक तो जो है आंख बंद करके रहता है और मुंह बंद करके और कान बंद करके, ऐसे मतलब जो भी चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है वो देखना नहीं है, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, ये हम सबको सीखने की बात है। जब हम अपने जीवन में इसको उतारेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो मैं समझता है कम हो जाएंगे। मगर ये हर जगह में, अभी आप मीडिया भी देखो, मूवीज भी देखो, इवन हमारा सीरियल्स भी आप देखेंगे, ये वो उनका नॉर्मल रूटीन ही ऐसा होना चाहिए, किसी के प्रति कुछ नफरत पैदा करें या नफरत के बात करें। अभी इस समय पे जो देखने का नजरिया हो रहा है वो एकदम प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब हम लोग चाहें तो अपना खुद का इंटेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट हम वो यूज़ ना करके जो दूसरों से मटेरियल मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट हैं, डिसीजंस हैं, वो ले पा रहे हैं। किसी ने बोला वो अच्छा नहीं है तो चुपचाप बिना किसी प्रैक्टिकल में जाए, उसका बिहेवियर को जाने, अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, हाँ वो अच्छा नहीं है। बट इस चीज़ को हम ना अपना कर अगर खुद उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें वो कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं, तो काफ़ी हद से इस बात से छुटकारा पाया जा सकता है। मगर हमारा, क्योंकि साइकोलॉजी में भी बताता है, हम रोल मॉडल है ना, कोई चीज़ देख कर हम सीखते हैं। तो अभी सारा दिन हम फ्रेंड्स को देखते हैं या मूवीज़ को देखते हैं, सीरियल्स को देखते हैं, हर जगह में ये चीज़ होता है, कैसे दूसरे उनसे नफरत करें, वही है ना, उनका टाइम पास भी है ना, उनका अच्छा लगता है ऐसा नफरत का बात करने में। तो ऐसा माहौल में हम कैसे इसे है ना, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस वे ऑफ बिहेवियर। देखिए, पूरा सीरियल हमने शुरू किया था तो भाई साहब ने एक सही जो है सब्जेक्ट लेके आया था। एक तो लाइफ इज अ चॉइस, ये हमें चुनना है, हमें क्या अपनाना है या क्या नहीं अपनाना है, whether we want to be a dustbin or not, ये हमारे ऑप्शन है, हमारे चॉइस है, तो ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। मीडिया में क्या आ रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं या समाज में क्या हो रहे हैं, इससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें क्या होना है, हमें क्या बनना है, ये हमारे ऊपर। इवन फॉर एग्जाम्पल हमारा लीडर्स भी, पॉलिटिशियंस आप देखेंगे तो हर एक दूसरों को हेट का ही शब्द हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर खोले तो यही चलता है, एक दूसरे की बात को काटते हैं। तो हमारा लीडर्स जो हमको लीड कर रहे हैं वही, उनको यही आदत है तो हम उसको ही फॉलो करते हैं ना, वो नेचुरल बन जाता है। तो वहाँ मेरा जो विचार आता है, चाहे ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु एक बार जो भी है उसको काम करने दो, 5 साल में वो नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक जनता उसको घर भेज देगी। एक तो ये समझना है, कहते कि सबसे अच्छा है ना निंदा का रस है, गॉसिपिंग भी निंदा का जो रस है ना, कि लोगों को निंदा अच्छा सुननी अच्छी लगती है, परंतु वो हमें सजगता लानी कि निंदा से कोई फायदा नहीं। मगर पहले मैं समझ लूं ये वो गॉसिप करने से या हेट का बात करने से मेरे को क्या नुकसान होगा, ऐसा कुछ बड़ी नुकसान नहीं होता नहीं, है नहीं, एक्चुअली नुकसान होता ही है। देखो सिंपल सी बात, आपको
आपको मेरे बारे में कोई बताए कि भी डॉक्टर गिरीश को बहुत अहंकार है, चलो आपको किसने कुछ एग्जाम्पल्स बता दिया है ना, लेकिन जब भी मैं आपको मिलूंगा कितना भी अच्छे से व्यवहार करूंगा आपका अनकॉन्शियस बोलेगा कि यह अहंकारी है, क्योंकि वहां का अंदर में फीड था, थोड़ा भी कुछ होगा तो बाहर आएगा, हाँ, देखो यह अहंकारी है, हाँ। सुन लिया ना, तो इसलिए बेस्ट तो है कि सुनो ही नहीं, इसका पर्सपेक्टिव था, इनको ही अहंकारी लगा, हो सकता है कि जब मेरे साथ व्यवहार हो तो अहंकार न भी हो, लेकिन उसमें तो अभ्यास फिर तो मुश्किल है, भी कोई हमारे घर में कचरा डाल के गया, अभी हम बोलेंगे नहीं कोई नहीं मेरा घर साफ है, आपको सफाई करनी पड़ेगी ना, तो हमारे अंदर कोई नेगेटिव डाल के गया, तो सबसे बेस्ट तो है कि एक्सेप्ट ही नहीं करो, और वो कब होगा कि पहले से ही हम ना बोलना सीखे, आज नहीं कई लोग ना बोलना नहीं जानते हैं, तो उसके बाद बहुत दिक्कत है, एक बार अगर आप ना बोल देते हैं ना तो फिर कोई आपके पास आएगा ही नहीं, व्यक्ति समझ जाएगा कि सुनता नहीं है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एक ऑफिस में एम्प्लॉय होता है, वो डेली मॉर्निंग में जब जाता है तो उसने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा होता है और पड़ोसियों की जितनी बातें होती हैं वो जाके सभी को एक एक सुनाता रहता है, उसने ये किया, सिर्फ नेगेटिविटी। और जो साथ वाले एम्प्लॉय होते हैं वो इतना फ्री टाइम निकाल के काम छोड़ के उसकी ये बात सुनने आते हैं, तो एक दिन होता है दो दिन, तो जो सुनाने वाला होता है उसको एक दिन खुद अंदर से फील होता है कि मैं आज इनको कुछ नहीं बोलूंगा, आज मैं चुप रहूंगा, तो वो जाता है तो सभी कहते हैं क्या हुआ, मौन रखा है क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या, बोला नहीं ठीक है, घर पे झगड़ा हुआ क्या, नहीं कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या, सभी आंसर जानते हैं, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं बस चुप रहना है। नेक्स्ट डे सोचता है कि क्यों ना मैं सभी का जो एंटी बोलता रहा हूँ आज मैं कुछ अच्छा बोलूँ इनको, कुछ अच्छा बोलने लगता है तो जो बाकी के एम्प्लॉय होते हैं वो कहते हैं हमें थोड़ा काम करना है, हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है, अच्छी बातें सुननी पसंद नहीं है लोगों को। अभी हम देख रहे हैं स्कूल्स में हो कॉलेजेस हो, वो कोई भी कॉम्पिटिशन का बात आ गया, इवन स्कूल में गेम्स चलता है, हमारा क्रिकेट मैचेस भी आप लेंगे तो कॉम्पिटिशन का जगह में वहाँ हेट ही आता है, तो हेट इट हैज बिकम ए नेचुरल थिंग, तो हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? खेल को खेल के तरह समझे तो उसमें यू आर एंजॉयिंग इट, वो एंटरटेनमेंट हो जाता है, वो हेट नहीं होता, वहाँ कोई ऐसे नहीं है मतलब जो हम हार रहे या हम जीत रहे, वो हम एंटरटेनमेंट के तरह उसको लेना है, ये तो एटीट्यूड की बात है, हम किस एटीट्यूड से उसको ले रहे हैं, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको लेंगे तो वी कैन एंजॉय इट। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, उसे जब कहते थे आप इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो, तब उसने आंसर दिया कि मैं अपनी खुशी के लिए खेल रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मूल बात पर भी हमें आना है कि ये जो हेट्रेट की भावना है वो समाप्त कैसे करें। देखिए एक तो उसको नेचुरल समझ रहे वो सबसे बड़ा गलती है, जो नेचुरल जो है ये हमारा ये हेट्रेट या ये जो नेगेटिव भावनाएं नहीं है, हमारा जो अंदर की जो मूल भावनाएं है वो बहुत पॉजिटिव है। हाँ जी, तो ये आत्मा पॉजिटिव एक्चुअली क्या है, जो हम लोग आज ये गलत चीज को जो है या नेगेटिव चीजों को जो है हमारा ओरिजिनल समझ रहे, हमारे एक जय बिहासा कार्यक्रम है उसमें एक फर्स्ट मॉड्यूल ही इसी के ऊपर बनाया हुआ है, सो अपने अंदर की जो है वैल्यूज है उसको खोने का, तो हमने देखा मतलब जो जब लोग खुद पहचानते हैं अपने अंदर की वैल्यूज को वंडर खाता है, इतने सारे वैल्यूज मेरे अंदर थे क्या, तो ये अपने अंदर को देखने का एक मौका हर एक अपने आप को दे तो मैं समझता हूँ जो है उसमें बहुत फर्क पड़ सकता है। जैसा कि अभी डॉक्टर नायर ने बताया कि हमारे स्पिरिट की कुछ अपनी वैल्यूज हैं, अगर हम उन वैल्यूज को लेके चलेंगे वो हमारे ऊपर है कि हमारी एक्सेप्टेंस पावर क्या है, अगर हम खुद ही बाहर से बैड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हमारी अपनी प्रॉब्लम है, तो जरूर हम बाहर से कुछ लेना ही चाह रहे हैं तो अच्छा भी जो हमारे लिए यूजफुल है वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक गांधी जी का एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, उनको किसी ने एक लेटर लिख के दिया, बहुत लंबा लेटर जिसमें सिर्फ नेगेटिव सब कुछ था, तो उन्होंने पढ़ा ए टू जेड और उसके बाद उन्होंने उसमें से क्या निकाला, पेन जो उनको यूजफुल लगा, बाकी पेपर फेंक दिया क्योंकि वो उनके यूज का था ही नहीं। इसलिए हम अपने लिए भी जो हमें यूजफुल लग रहा है वो हम ले सकते हैं, बाकी लेने का जरूरत ही नहीं है, अभी विष तो लेना कोई चाहेगा नहीं, मीठा ही चाहेगा। जैसे अभी आयुर्वेद में भी ऐसे है कि भी हमारे चार प्रकार के शरीर है, कहते अन्नमय शरीर है ना, फिर मनोमय, प्राणमय और आनंदमय,
ये जो आनंद में है वो अपनी ओरिजिनल स्टेज है, तो उस ओरिजिनल स्टेज को बाहर लाना। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं थोड़ी देर गॉसिप करना अच्छा है, मजा आती है। आनंद से उन चीजों की जगह जो अच्छी चीजें हैं उनका भी हम चाहें तो आनंद ले सकते हैं। वेस्टर्न आपका प्रोग्रेस नहीं, आपको देखना है आपको क्या अच्छा होगा, आपका भला ही क्या होगा। कभी हेट को हम कन्वर्ट कैसे करें, एटलीस्ट न्यूट्रलिटी में हो सकता है। भी हेट को प्यार में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, परंतु न्यूट्रल में तो कर सकते हैं। हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जनरली हमने इन लोगों से क्या सुना है, अभी घर में थोड़ा प्यार से बात करें तो है ना उनको एक ऑफिशियल लगता है, दे डोंट सी इट एज अ नेचुरल थिंग। तो ये घर में भी ये हेट का बात है ना, इट हैज बिकम अ नेचुरल थिंग, ऐसा ही रहना है। बाहर वालों से हम अच्छे से बात करें, मगर घर में फादर के साथ, मदर के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ हम ऐसा व्यवहार करें उनको है ना प्यार से बात करना, इट इज ऑफिशियल थिंग। तो अनऑफिशियल रहना है तो चिल्लाना, उनके बारे में बुरा बोलना, माँ बेटी के बारे में बुरा बोलते हैं, बेटी माँ के बारे में बुरा बोलती है, सो ऐसा हेट है ना इट इज बिकम अ नेचुरल थिंग। फॉर एग्जाम्पल कि भी आप फादर को हेट करते तो उसके कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हेट कर रहे, लेकिन शायद कुछ उसके अच्छे भी है। साइकोथेरेपी में भी एक एक्टिविटी होती है, हम लोग देखते हैं एक दो इंटरव्यू में मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति फादर को डिसलाइक करता है या मदर को डिसलाइक करता है, तो उसको कहते कि देखो तुमको एक होमवर्क दे रहे, कि अगर फादर को हेट कर रहा है तो उसको कहते कि फादर को तुमको एक लेटर लिखना है, उसमें 51 पॉइंट्स लिखनी है। जब वो 51 लिखता है तो कहीं को एक फीलिंग आ जाए, वाह मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जो व्यक्ति बिल्कुल नजदीक है, जैसे वाइफ हो या हस्बैंड हो या बेटी हो या माँ हो, तो उसमें क्या है बिल्कुल दोनों साइड बिल्कुल नज़दीक से हमें दिखाई देता है। और दूसरा चीज़ हमें ये समझना चाहिए उस व्यक्ति से हमें कोई नफरत नहीं है, उनकी कुछ एक्शंस है। व्यक्ति से हम प्यार कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें प्लस साइड भी है माइनस साइड भी है, ये भी हम दोनों जानते हैं। लेकिन कुछ कुछ उनके एक्शन से वो हमें पसंद नहीं हो रहे, तो उसमें क्या है उनको चेंज करने के लिए हम प्रेरित भी कर सकते हैं और चेंज भी हो सकता है। तो ये दो बात को आप डिफरेंशिएट करो, व्यक्ति से नफरत है या व्यक्ति की कुछ एक्शन से या कुछ बातों से नफरत है। अभी आपने जैसा कि बताया ना कि घर में ऐसा होता है लेकिन उनके अंदर एक्चुअल में प्यार बहुत ज्यादा है, जैसे कि डॉक्टर नायर कह रहे हैं कुछ एक्शंस रहेंगे जिनके कारण उनका हेट रहेगा, क्योंकि अगर घर से कोई बाहर वाला आके उस मदर के प्रति उसको कुछ बोलेगा वो बिल्कुल नहीं सुन पाएगा, बोलेगा नहीं मेरी माताजी ऐसी नहीं है। इट मीन्स अंदर उसके लव है बट कुछ एक्शंस हैं जो कि घर के अंदर उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो नफरत दिखा रहा है, तो वो नेचुरल बन गया ना, उससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है। कि भल मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि भी एक्चुअली तो मैं प्यार करता हूँ तो बाहर से बोल रहा हूँ, परंतु वाइब्रेशन कौन सा फैल रहा है आपके घर में। देखो सिंपल सी बात कि घर में किसकी मृत्यु हो गई, आपको मालूम नहीं है कि इस घर में किसकी मृत्यु हो गई है, आप देखना वहां एंटर करेंगे ना तुरंत आपको वाइब्रेशन आएंगे कि कुछ तो यहाँ अशांति है, सब चुपचाप है, कोई कुछ बोल, डेड बॉडी को बाहर नहीं लाए ना, सिर्फ भाई उसकी मृत्यु हो गई चाहे तो हॉस्पिटल में है, तो वो स्ट्रांग वाइब्रेशन है ना, तो ये भी तो नेगेटिव वाइब्रेशन है, इससे उल्टा मैं नेगेटिविटी को फैला रहा हूं, इसलिए मुझे उससे ऊपर उठना है। यही जो रिजुविनेट लाइफ की बात है ना पूरी, कि बॉडी सेल्स को हमें रिजुविनेट करना है, आत्मा को रिजुविनेट करना है, तो ये जो हेट है वो उसके लिए एक बैरियर है। पर हेट ऊपर से हम करता है ना, अंदर से हेट नहीं करता हूं मैं, ऊपर से अंदर बहुत प्यारे करते हैं, लेकिन थॉट तो आया ना। नफरत हम जितना फैलाएंगे उससे डबल हमें मिलेगी ही मिलेगी, तो उसका हमें सलूशन सोचना है कैसे हम उसको कर सकते हैं। माइंड के कुछ रिलैक्सेशन ऐसी टेक्निक्स हो, जैसे मॉर्निंग में जब हम जागते हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना लेके अपना माइंड को हम थोड़ा स्पिरिचुअली कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ योगा या कुछ ऐसे मन का अभ्यास करें एकदम, और टीवी के ऊपर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स देखें जिनसे के अच्छा प्रभाव पड़ रहा हो, कुछ प्लस पॉइंट्स वाले। एक घर में एक मदर थे, वो टीवी पे रिलीजियस प्रोग्राम कुछ चलाते होते थे, और घर में किसी को ये सब पसंद नहीं था, सभी को हंगामा ये सब डांस वांस ये सब सीन्स पसंद थे,
तो वो अकेली देखती है और उसके बच्चे और उसके जो हस्बैंड हैं वो अलग रूम में बैठे रहते हैं। एक दिन धीरे धीरे वो 5 मिनट के लिए अंदर आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, थोड़े दिन के बाद 10 मिनट अंदर आना जाना। और एक दिन वो मदर बीमार होती है, वो टीवी नहीं ऑन कर पाती है, तो वो लोग खुद जाके ऑन करते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, आज हमें ये सुनने को नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे वो माहौल बन जाता है, ऐसा नहीं है कि हमने घृणा ले रखी है तो हमेशा उसी को लेके चलना है, उसको प्यार में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसका इफेक्ट एक दिन खत्म हो जाएगा। पर ये भी बताएं, हम जो सोच रहे हैं उसका इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। हुँ. अंदर अच्छा ही सोच रहे हैं, पर बाहर दिखावट के लिए हम नफरत कर रहे हैं। कई बार है ना, बच्चे भी माँ को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्चुअली गलती है, हमें एक्सप्रेस करना है, उल्टा ज्यादा करो थोड़ा। अभी क्या है, पेरेंट्स जो बोलते हैं बच्चे करते हैं, मगर मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऐसे बात करना शुरू करेंगे, फिर उनका वो फियर निकल जाता है ना। नहीं नहीं आसिम भाई, आपको लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप अच्छा करो, देखो माँ बाप को अच्छा बोलो, एक तो उनकी खुशी बढ़ेगी है ना, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। भी पिताजी आज 2 लाख कमाते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो 3 लाख कमाएगा। फिर आप उससे मांगेंगे कि भी 500 रुपया दो, शायद 5 हजार भी दे देगा। आज जब पेरेंट्स ना बोलते तो उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। नहीं भी जिनके पास है, एक गरीब व्यक्ति का बेटा मांगेगा कि पापा 50 रुपया दो, तो भी उसको 4 बार सोचना है ना। पैसे वाले का मांगेगा 50, तो क्या बोलो, तो 500 की नोट दे देगा। पर मैं गुस्से से उनको जवाब ना दूं, उनको हेट जैसा मैं एक्शन भी ना करूं, फिर दूसरा मेरा मेरे ऊपर जो रेस्पेक्ट है वो निकल जाता है ना। देखिए वो हमने हमने अपना सोच ही ऐसा बना के रखा है जैसे आप बता रहे हैं, वो घर में उसने अपना सोच सोच के माहौल ही ऐसा बना दिया है कि जैसा वो चाह रहा है अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो वैसा रिएक्ट कर रहा है। तो मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप पेरेंट्स को 50% प्यार करते, 60% एक्सप्रेस करो। मेरे को लग रहा है ये कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट की भी बात हो जाता है, व्यक्ति कुछ ऐसे क्या करने का, ईगो आ जाता है। हाँ, कुछ ईगो आ जाता है, तो हाँ अपने ईगो वाली बात भी है, तो हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में जो है अपना स्वाभिमान में भी टिकने का प्रयास करें। जैसे पहले भाई साहब ने ही बात को बोला था, एक न्यूट्रल अवस्था, तो न्यूट्रल अवस्था में जो है एक अपना स्वाभिमान वाली अवस्था, उसमें क्या है, निंदा भी करो स्तुति भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक स्थिति में हम स्थित रहे तो इस तरह की जो बातें जो है मैं समझता नहीं आएंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड हम नहीं दिखाना पड़ेगा, बाहर से हेट्रेड या बाहर से गुस्सा और अंदर से जो प्यार, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। दिल में जो है वो है, वही फीलिंग हम बाहर एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले भी कंफर्टेबल लग, थोड़ी हायर बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल लेवल पर आओ। हाँ। बहुत अच्छा, लेकिन वो मुश्किल है थोड़ा। ऑफिस में भी है ना ये बात होता है, कई बार हम है ना उनसे प्यार से बात करेंगे, मैं गुस्सा ना करे, काम भी नहीं होता है, जो भी को वर्कर्स भी होता है ना, छोटा पोस्ट है, हाँ छोटा पोस्ट है, उनसे भी अच्छे से बात करना चाहता है, पर अंदर ये डर होता है मैं अभी अच्छे से बात करे तो फिर दोबारा मेरा काम भी नहीं होंगे। देखिए ये भी साइंटिफिकली प्रूव किया, जब टीम वर्क होता है तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। ये जो पुराने जो स्टाइल है, जो लालापन वाली जो बात है, जो मैं उनके ऊपर जो चढ़ के बैठे तभी काम होगा, तो ऐसे कोई बात भी नहीं है। जो टीम वर्क है, सब मिलके करें तो आगे और बढ़ सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जैसे बढ़ेगा उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। नहीं, शुरू में ही लगेगा ऐसा कि सब प्यार से करेंगे कैसे होगा ना, लेकिन आगे चल के छोटी सी बात बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जब आपने बोला ही तो मुझे याद आ रहा है कि भाई एक कंपनी में मुझे कहा कि भाई आपको है ना वर्कर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है ना, तो उनका 2 घंटे का प्रोग्राम लिया, पूरा हुआ फिर सब, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबने कहा कि ये जो हमारे वो जो DGM थे वो उस यूनिट के चीफ थे ना, बहुत बड़ी कंपनी थी, तो उनका ये हमारे नए DGM है ना बहुत अच्छे, कि वो सब घड़ी बता रहे कि भी हमको घड़ी दी इन्होंने। तो ये छोटी सी बात है, कुछ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, नहीं सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, उनका उमंग उत्साह तो वहां बढ़ा। ये कहते हैं कि वो मोटिवेशन थोड़ा समय टिकता है, लेकिन और भी अच्छी अच्छी बातें कर दी इसी कंपनी में वो, कि वो वर्कर सब अच्छा बोल रहे थे, क्यों? तो उन्होंने कहा कि एक वर्कर था, वो रिक्शा में कुछ माल लेके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया,
तो अब कंपनी की जिम्मेवारी इतनी ही है कि उसका कोई हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया जाए, परंतु डीजीएम ने कहा इसको अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो शायद उन्होंने 5-10 हजार ज्यादा खर्चा किया, लेकिन वो सारों के ऊपर पावरफुल इफेक्ट, मॉरल बूस्ट हो जाता है। हमारा डीजीएम बेस्ट है कि अपोलो में हमारा ट्रीटमेंट हुआ। कई बार ऐसा होता है, ठीक है एक को करेगा तो सबको करना पड़ेगा, तो मैं क्यों एक को करूंगा? जब होगा तब भी, रोज रोज थोड़ी एक्सीडेंट होता है, परंतु प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे 10 गुना अगर वो उमंग उत्साह से करने लगे, है ना। तो अभी ये तो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया ऑलरेडी, कहीं कहीं नहीं भी आया, अभी कोई भी वो पुराने जमाने में जी रहे। और जब आप थोड़ा नहीं अच्छे से बात करते कर रहे, बल तब लगता है कि भी उसका गलत फायदा लेगा, परंतु चेंज हो गया तो फिर बस आपको सोचना ही नहीं। हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या करेंगे, जो हमें चाहिए उसी हिसाब से हमें काम करते जाना। इसमें ये हो सकता है कि भी दो लोग उसका गलत अर्थ निकालेंगे, हाँ। लेकिन 8 तो अच्छा करेंगे, और 8 में से आपको 2-3 भी ऐसे मिल गए वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, है ना, दिल से काम कर रहे हैं, तो 10 गुना करेंगे। नहीं अच्छा, वो जैसे भी आजकल देखो जहां पर भी ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है, आज नहीं लोग अगर ऑनेस्ट ना हो तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो आप ये करेंगे तो वो आपके प्रति डेडिकेट होंगे, उसमें ऑनेस्टी भी आएगी। तो ये जो पॉजिटिव अप्रोच है वो हमेशा होना चाहिए, है ना, उसका कोई भी नुकसान नहीं। यहाँ भी हमारा जो है एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, हमारे जो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स आता है वो इतना हमें हमारा प्रशंसा करते हैं, उसमें सबसे बड़े बात ये बोलते हैं हम यहाँ कोई बॉस को नहीं देख रहे, सब कोई मतलब जो है अपने हिसाब से जो है प्यार से जो है व्यवहार कर रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। मतलब यू डोंट हैव टू रूल समबडी, मतलब तो काम लेने के लिए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, प्यार से काम ले सकते हैं। प्रैक्टिकली आप यहाँ आके देखें तो आपको समझ में आएगा ये बात, क्योंकि ये सालों से ये चल रहा है, आज नहीं है, इतना 80 ईयर्स से ये जो कल्चर जो है डेवलप किया हुआ है और हज़ारों भाई बहन यहाँ एक साथ रह रहे हैं और आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देयर इज़ नो बॉस एट ऑल, क्योंकि कोई एक दूसरे को हेट नहीं करता है, है ना, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, सभी अपना समझ करके कार्य को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, अपने अपने जो अनुभव है वो भी सभी ने शेयर किए, आपके जो ईमेल आ रहे हैं, आप जो व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं उससे भी लगता है कि ये बातें आपको अच्छी लगती है, भले आपके कुछ प्रश्न भी है, परंतु हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि श्रृंखला में उन प्रश्नों के हम आपको सही उत्तर दे पाए, और ये सिर्फ आप पाएंगे तो वैल्यू एजुकेशन नहीं है, ये जो पूरा प्रोग्राम है वही है कि रिजुविनेट अवर लाइफ, लाइफ को रिजुविनेट करना। लाइफ कहते हैं तो हमारा शरीर भी है, तो जैसे इस कड़ी में हमने चर्चा की कि हेट की क्या बुरी असर होती है शरीर, एक एक अंगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और भले वो छोटा सा दिखाई दे, जैसे हमने देखा कि भी निंदा रस में तो मजा आता है लोगों को, परंतु ये जो रस है वो हमें नीचे की ओर ले जाने वाला है, उससे जरूर हमें ऊपर उठना है। आपके और भी कोई सुझाव हो, विचार हो, हमें जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, ओम शांति।